बलजस को हराने के बाद ईशा वापस शहर आ जाती है। भील अपने कबीले में चले जाता है। प्रिंस वापस अपने राज्य में बिजी हो जाता है। रजनी अपनी माँ के बिना बहुत अकेला फील कर रही थी, तो वो यश के साथ वहीं रुक जाती है। यश और रजनी मिलकर कोसिस्तान बनाने लगते हैं। यश का मोबाइल बजता है। अरे डिटेक्टिव, मेहुल का कॉल। यश मेहुल का कॉल रिसीव करता है, लेकिन सामने से मेहुल की आवाज नहीं आती, और तभी एक हाई वाइब्रेशन साउंड के साथ कॉल कट हो जाता है। क्या हुआ यश, किसका कॉल था? डिटेक्टिव मेहुल का कॉल था, कुछ तो गड़बड़ है। 2 दिन पहले बुलबुले साइंटिस्ट, इस बार तो हमने बिग डैडी को हरा दिया, लेकिन फ्यूचर में इस तरह के खतरे और आएंगे, हमें खुद को अपडेट करना होगा। सर, अगर हम एवेंजर्स की तरह हाईटेक सिस्टम बना लेंगे तो मजा आ जाएगा। आलिया, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है। मेहुल, ये देखो, मैंने स्पेशल डिजिटल वॉच बनाई है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो वॉच पहनने वाले को असिस्ट करेगा। मतलब एआई बात करेगा? वाव भूलभुलैया साइंटिस्ट। मेहुल आलिया के मन की बात समझ जाता है। आलिया, ये वॉच तुम पहनो। थैंक यू सर, आप भी बहुत अच्छे हो। थैंक यू आलिया मैम, मैं आपका असिस्टेंट हूँ। बताइए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? वाह मेहुल सर, ये तो कमाल हो गया। आपके दिल की धड़कन तेज हो रही है, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। पर आलिया, इसका गलत यूज मत करना, वरना मैं वॉच तुमसे वापस ले लूंगा। टेंशन मत लीजिए सर। इसके बाद मेहुल आलिया को उसके घर ड्रॉप करता है। आलिया, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए डिटेक्टिव सोसाइटी में जा रहा हूँ, तुम घर पर ही रहना, अगर कोई केस आ गया तो तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम्हारा नाम रख लेती हूँ। हेलिक्स, ये सही रहेगा। आज से मैं तुम्हें हेलिक्स बुलाऊंगी। ओ हेलिक्स, नाम बहुत अच्छा है, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब आएगा मजा। अच्छा तो हेलिक्स, अब मुझे अपने दोस्त आदि से बात कराओ। माफ कीजिए माम, आदि का मोबाइल अभी स्विच ऑफ आ रहा है। उधर आदि अपने सिस्टम में कुछ सर्च कर रहा था। उसने आज रात अपने सिस्टम में कुछ अलग तरंगे देखी है, और उस साउंड को उसने ट्रैक करने की कोशिश की है। कुछ तो गड़बड़ है बॉस, मेहुल सर को इन्फॉर्म करता हूँ। अरे, आज रात मोबाइल चार्ज करना ही भूल गया। काफी शांति है, काफी समय से कोई घोस्ट ने अटैक नहीं किया। ये सन्नाटा आगे कोई बड़ी समस्या ना लाए। मेहुल डिटेक्टिव सोसाइटी की मीटिंग अटेंड कर रहा था। मेहुल सर, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? तभी अचानक आदि के दरवाजे की बेल बजती है। आदि दरवाजा ओपन करता है तो सामने आलिया खड़ी थी। एक्चुअली आलिया, मैंने तुम्हारा मिस्ड कॉल देखा था, पर मैं बिजी था थोड़ा। आदि सच बोल रहा है ना, या मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा है? आलिया आदि को सरप्राइज देने के लिए अपनी वॉच दिखानी ही वाली थी कि तभी अचानक आदि के पास मेहुल का कॉल आ जाता है। मेहुल सर, मर गए। सॉरी आदि, मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। बताओ क्या बात है? एक्चुअली सर, मैंने कल रात अपने सिस्टम पर कुछ अजीब से साउंड और वेव को ट्रैक किया था। उसके बारे में पूरी खबर पता करके मुझे इन्फॉर्म करो। कोई भी अगर बड़ी गड़बड़ लगे तो मुझे तुरंत बता देना। रात होते ही आदि अलर्ट हो जाता है। वो अपने सिस्टम को ओपन करके बैठ जाता है।
तभी अचानक उसके सिस्टम में कुछ हलचल होती है। ओ तेरी, ये क्या चीज है? आदि उस सिग्नल को ट्रैक करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद आदि सिग्नल को ट्रैक कर लेता है। कोई माइक्रोवेव आदि के सिस्टम से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। आदि उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और फिर करण। आदि और करण दोनों कॉलेज में क्लासमेट थे। दोनों की बहुत अच्छी बनती थी। करण आदि से भी बड़ा हैकर था। वो कभी कभी दूसरे प्लैनेट के सिग्नल को भी कनेक्ट करके एलियन से बात किया करता था। करण ने ही आदि को हैकिंग सिखाई थी। कॉलेज के बाद करण एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। उसने टाइम ट्रेवल मशीन भी बना ली थी, लेकिन एक दिन किसी ने उसका मर्डर कर दिया और इसके बाद उस टाइम ट्रेवल मशीन के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है। आदि ने उस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सर्च किया, लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं लगा था। करण की मौत के बाद आदि कई महीनों तक रोया, लेकिन फिर उसने लाइफ को दोबारा स्टार्ट करने के सोचा और डिटेक्टिव मेहुल के साथ काम करने लगा। आदि करण से चैट करने लगता है। मेहुल आदि को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन आदि का कॉल बंद आ रहा था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। आदि का मोबाइल बंद आ रहा है, मतलब जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल तुरंत अपनी बाइक से आदि के घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में मेहुल आलिया को भी कॉल कर देता है, लेकिन आलिया तो उस समय सो रही थी। मेहुल सर, बार बार कॉल कर रहे हैं। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल करती है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आलिया जल्दी से आदि के घर आ जाओ, यहाँ पर बैड मॉर्निंग हो गई है। हेलिक्स, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, कुछ इमरजेंसी आ गई है। लेकिन आज तो कोई मीटिंग नहीं है। कोई मीटिंग नहीं है? अच्छा, फिर कल होगी। अगले एक महीने तक आपकी कोई मीटिंग नहीं है। क्या हुआ होगा यहाँ पर, आदि का कुछ पता नहीं है। मेहुल तुरंत डिटेक्टिव सोसाइटी को इन्फॉर्म कर देता है। मेहुल आदि के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरा चेक करता है, लेकिन सारे कैमरा ऑफ थे। मेहुल आदि को बार बार कॉल करता है, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। कहीं ये आदि का दोस्त तो नहीं? मेहुल तुरंत फोन उठाता है और आदि के कॉलेज में फोन लगाता है। हेलो एचओडी सर, मुझे आपसे एक हेल्प चाहिए। हेलो डिटेक्टिव मेहुल, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आदि अचानक से गायब हो गया है और उसके बाजू से उसके और करण की फोटो मिली है। मैं भला करण को कैसे भूल सकता हूँ? उसके जैसा जीनियस स्टूडेंट आज तक नहीं मिला, लेकिन वो तो कई साल पहले मर चुका है। यस सर, बस आप मुझे उसके घर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। एचओडी से इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मेहुल करण के घर पहुंच जाता है, लेकिन उसके घर पे ताला लगा हुआ था। जरा सुनिए, ये करण की फैमिली यहीं रहती है? वो लोग तो कब से यहाँ नहीं आए हैं। करण के मरने के बाद वो लोग यहाँ से चले गए थे। मेहुल वापस आने लगता है, लेकिन तभी अचानक उसे एक डाउट होता है। ये पाइप पे गीली मट्टी लगी हुई है और नीचे पैरों के भी निशान है। जरूर ये पाइप की मदद से कोई ऊपर चढ़ा है। मेहुल अपनी गन लोड करता है और उसी पाइप की हेल्प से ऊपर चढ़ जाता है। घर के अंदर का नजारा देख मेहुल के होश उड़ जाते हैं। एक यूनिक लाइट वहां पे रखी हुई थी और उसमें से कलर्स निकल रहे थे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, ये क्या चीज है? How are you, Detective Mehul? सडनली करण की वॉइस सुनकर मेहुल डर जाता है और अपनी गन लोड करने लगता है। कौन है यहाँ, कौन है? मैं करण हूँ, आदि का दोस्त। करण तो मर चुका है, सच सच बताओ कौन हो तुम? सच अभी पता चल जाए। लगता है कोई भूत प्रेत है, मुझे यश को बताना होगा। क्या हुआ होगा मेहुल के साथ? क्या यश सच्ची में पता लगा पाएगा? देखेंगे अब अगले एपिसोड में।